हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीनास 24 किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की खिचड़ी, और एकदम खिली खिली सी साबूदाना की खिचड़ी। हम नवरात्रों में तो खाते ही हैं, लेकिन वैसे भी कभी बना करके देखिए, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक कप साबूदाना लिया था और उसे 4 से 5 घंटे सोख होने के लिए रख दिया था, और थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट कर ली थी और थोड़ी सी बचा करके क्रश करके रख ली थी। इसके बाद 1 इंच अदरक और 4 से 5 हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, और 2 छोटे टमाटर मैंने चॉप करके रख लिए थे, और थोड़ी सी हरी धनिया चॉप कर ली है। अब हम एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद 1 चम्मच जीरा और अदरक और जो हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी वो इसमें डालेंगे। इसके बाद जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च को मैंने पीस करके रखा था, तो 1/4 चम्मच मैंने वो डाला है। इसके बाद कटे हुए टमाटर डाले हैं और स्वाद अनुसार नमक डालकर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला जले ना। उसके बाद 2 मीडियम साइज आलू बॉयल मैंने काट करके रखे थे वो डाले हैं। इनको सबको डालने के बाद अब हम थोड़ा सा चलाएंगे और ढक्कन को लगा के रख देंगे। 5 मिनट के बाद जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा और टमाटर गल जाएंगे, फिर हम साबूदाना इसमें डालेंगे। साबूदाना को हम अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद जो रोस्ट करी हुई मूंगफली हमारी थी वो इसमें डालेंगे, और 2 मिनट भूनने के बाद हमारी खिचड़ी एकदम बनकर तैयार है। अब हम इसे हरा धनिया से गार्निश करेंगे और प्लेटिंग करेंगे इसकी। तो देखिए दोस्तों, कितनी खिली खिली खिचड़ी बनी है और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी एक बार घर में इसे जरूर से ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये खिचड़ी कैसी लगी।